ये देखो गोलापुर का गेट गाइस, ये गेट नहीं है मतलब गेट आगे से है गाइस, बट इधर से जुगाड़ लगा दिए हैं सारे लोग कि भाई उतना घूमता कौन है उधर। गाइस ये देखो यार भाई, अभी तो ऐसा है ना, पहले बहुत भयानक पांका था इसमें ना भाई, बहुत भयानक था गाइस। ये देख रहे हो ना, इधर सारा टूटा हुआ था, सिर्फ ये रोड था थोड़ा सा, और इसमें इतना गड्ढा था ना गाइस, सोच भी सकते हो। देख के ना हम लोग का गाइस मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे गाइस, बट अभी तो भरा चुका है, तो चलो गाइस। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइज आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं आज बहुत ज़्यादा बीमार हूँ यार, मतलब 2-3 दिन से ना मेरे को इतना फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब रात होती है ना तो फीवर आती है, सर में दर्द होती है, उसके कारण नींद नहीं आता है भाई रात भर। तो आज मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखा लूँ, क्योंकि नहीं दिखाने से यार कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अपन लोग सोच रहे हैं चलो अपन लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, बट देखते यार क्या होता है। हालांकि मैंने निक्की भैया को कॉल किया है तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम आओ, पहले ब्लड टेस्ट कर देंगे, बट उससे भी पहले अपन लोग धर्मेंद्र के पास जाएंगे, शायद धर्मेंद्र के पास कोई सॉल्यूशन हो जाएगा ना, वो भी बी फार्मा किया हुआ है। तो भाई बी फार्मा MBBS के इक्वालिटी में भी आता है थोड़ा बहुत, तो अपन लोग पहले धर्मेंद्र के पास जाएंगे और फिर देखते हैं धर्मेंद्र क्या सजेशन देता है, क्या देख के बताता है वो। अगर वो कुछ बोलेगा उसके बाद अपन लोग जाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और फिर अपन लोग डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट दिखवाएंगे। तो चलो गाइस अभी अपन लोग चलते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, और उससे पहले अपन लोग धर्मेंद्र से मिलते हैं, तो डायरेक्ट से अपन लोग जाते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं गाइज। अरे मेरा आँख में इतना लहर है ना गाइज, मतलब 2-3 दिन से मैं अच्छा से सो नहीं पा रहा हूँ यार, इतना दर्द हो रहा है ना, सर में पूरा पेन है, आँख में बहुत लहर है भाई, बहुत ज़्यादा जलन है, आँख भी देख लो यार क्या हो गया सीन। तो चलो गाइज अभी अपन लोग मिलते हैं रास्ते में। फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं दौलतपुर बोलते हैं, देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है, और अभी यहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर है डॉक्टर के पास जाना, ब्लड टेस्ट करवाना। मेरा निक्की वैसे बात हो चुका है, बोले वो आओ तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद शाम में रिपोर्ट आएगा। तो गाइस रिपोर्ट में देखते हैं क्या निकलता है भाई, कोई फिलहाल ब्लड देने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। ऐसा ही होता है गाइस, तो रोड को माइंड मत करना, बस व्यू देखना गाइस, गांव का जो नज़ारा होता है ना वो तुम्हें शहर में नहीं देखने को मिलेगी, तो बस गांव का नज़ारा होता है, ऐसा होता रहता है। रोड आज बना कल टूटा, आज बना कल टूटा, तो चलो भी आप लोग ना गोलापुर में लेके चलते हैं डायरेक्ट से। सो फाइनली गाइस ये देखो गोलापुर का गेट, गाइस ये गेट नहीं है मतलब गेट आगे से है गाइस, बट इधर से जुगाड़ लगा दिए सारे लोग कि भाई उतना घूमता कौन है, उधर से गाइस घूम के जाना पड़ता है, काफ़ी बड़ा वाला फील्ड है, इसको हवाई अड्डा बोलते हैं। तो इतना जुगाड़ कौन लगा यार, मतलब कौन इतना चले भाई, चल नहीं पाता ना उतना, पेट्रोल भी ख़त्म, इसी कारण से गाइस जुगाड़ लग चुका है यहाँ पे दीवार टूट के। तो ये देखो गाइस ये अपना गोलापुर फील्ड है, काफ़ी बड़ा वाला फील्ड है गाइस, सोच नहीं सकते हो इतना बड़ा फील्ड है ये। तो हवाई अड्डा हम लोग बोलते तो आप लोग गौर कर सकते हो गाइस, मतलब गेस कर सकते हो, और फिर वो देखो RPS स्कूल है गाइस मकरपुर वाला, और इधर गाइस BED ये सब का कॉलेज है। तो फाइनली यही अपना गोलापुर फील्ड है गाइस, ये हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं गोलापुर हवाई अड्डा से, हम लोग हवाई अड्डा ही बोलते हैं ये अभी से गाइस, हम लोग आज हेलमेट नहीं लगाए ना, रीज़न यही था गाइस कि पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो इसी कारण से हम लोग बस इधर से निकल रहे हैं, डायरेक्ट मेन रोड पे ही मिल जाएंगे वो निक्की भैया, मिल जाएंगे वही, हमारा ब्लड सैंपल लेंगे और फिर वो टेस्ट करवाएंगे। तो इसी कारण से हम लोगों ने आज हेलमेट यूज नहीं किया, हालांकि कल मेरे को चलान लग गई थी जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था, बट हाँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना तो मैं पिन कर दूँगा, वो वाली लिंक डाल दूँगा चलान वाली, तो फिर लिंक भी डाल
लीजिए। देखो यार भाई, अभी तो ऐसा है ना, पहले बहुत भयानक पांका था इसमें ना भाई, बहुत भयानक था गाइस। ये देख रहे हो ना, इधर सारा टूटा हुआ था, सिर्फ ये रोड था थोड़ा सा, और इसमें इतना गड्ढा था ना गाइस, सोच नहीं सकते। और देख के ना हम लोग का गाइस मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे गाइस, बट अभी तो भरा चुका है। तो चलो गाइस, मतलब इतना भरा है ना गाइस, इसमें सोच नहीं सकते यार, करीब 8-9 साल लगे तब जाके ये सही हुआ है। तो आप लोग को इधर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो, देख रहे हो ना। और मेरा गाइस तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसी कारण से मतलब 2-3 दिन से नहीं सो पाए अच्छे से सर दर्द के कारण। तो थोड़ा सा यार आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा नज़र। तो चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं गाइस निक्की भैया का लाइव में, मिलते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं, बोले तो निक्की भैया का दुकान पे तो नहीं, बट अब हम लोग यार धर्मेंद्र का शॉप पे आए, मेडिकल शॉप है इसका स्टोर है। तो भाई मेडिकल, जैसा कि मैंने बताया ना, इसको सारा कुछ प्रॉब्लम धर्मेंद्र को, तो इसने मेरे को कुछ मेडिसिन दे रहा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइज, ये मेडिकल स्टोर दिखा देता हूँ पहले। ये है मेडिकल स्टोर गाइज, और ये धर्मेंद्र देख लो, यही मेरे को दवा दे रहा है। क्या धर्मेंद्र भाई? ये धर्मेंद्र है, बी फार्मा किया हुआ, यही मेरे को दवा दे रहा है। अभी देख लो इतना सारा दवा है भाई। तो देखते हैं गाइज सही होते हैं या फिर नहीं होते हैं। धर्मेंद्र तो बोला सही हो जाएगा, बट आगे देखते हैं क्या सीन होता है गाइस। अभी तो देखते हैं गाइस क्या सीन होता है यार, दवा तो अभी ले रहे हैं, अभी और भी दवा दे रहा है, क्योंकि मन भी मेरा सुस्त थोड़ा सा लग रहा है, और फिर वीकनेस थोड़ा सा, और थकान तो बहुत लग रहा है गाइस, और फिर सर में दर्द, फीवर, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं ना ये दवा में सही होता है फिर नहीं होता, अगर सही हो गया तो सही है, वरना नहीं हुआ फिर तो गाइस ब्लड टेस्ट हुआ तो निक्की भैया बोल ही चुके हैं, बट इसे देख लेते एक दिन खा के इससे क्या रिजल्ट आता है। धर्मेंद्र काफ़ी अच्छा है यार, बी फार्मा किया हुआ तो डॉक्टर से कम कोई नहीं होता यार, बी फार्मा किया हुआ स्टूडेंट। तो यही अभी मेरे को दवा दे रहा है, ये मैं हूँ, और फिर ये बाइक से हम लोगों ने आया है। तो देख लो गाइस ये बाइक है अपना, अपना नहीं पापा का गाइक, पापा का बाइक है तो अपना ही बोल सकते यार, पापा का अपना ही होता है। तो चलो अभी मेडिसिन लेते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर घर जाते हैं गाइस। तो चलो अभी इसको पेमेंट कर देते हैं, कितना पेमेंट होता है ये देखते हैं गाइस। तो पेमेंट करके अपन लोग डायरेक्ट घर में मिलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, अभी यहाँ के लिए। फाइनली गाइस अपन लोग आ चुके हैं डॉक्टर से मिलके, बोले तो डॉक्टर नहीं, अपन लोग धर्मेंद्र से मिले हैं। और फिर धर्मेंद्र से मिलने के बाद मेरे को उसने आँख देखा, आँख के नीचे कुछ होता ना टाइफाइड, ये सब का निशानी, ये सब दिख जाता है। जीभ देखा तो उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा गाइस। तो उसने बोला ना मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, वो मेडिसिन खा लो तुम सही हो जाओगे। तो गाइज मेरे को कुछ मेडिसिन दिया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आज। ये दो मेडिसिन दिया था, इसमें से एक खिला दिया है, और अभी रात के टाइम हो रहा है, जब भी 8 बज रहा है रात का, तो अभी इसको खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो आप लोगों को गाइज मेडिसिन दिखा देता हूँ मैं, रुक जाना। यही सारा मेडिसिन है गाइज, देख लो, ये वाली मैंने एक खाया था उसी का क्लिनिक पे। ये नींद वाली टैबलेट है गाइज, जो कि मेरे को अभी नींद नहीं आ रही है ना अच्छे से, तो इसको आधा खाना है अभी मेरे को, तो नींद आ जाएगा। फिर ये एक टैबलेट मैंने उसी टाइम खाया था, ये भी, और ये गाइज क्या चीज़ का टैबलेट है पता नहीं, बट इसको डेली कंटिन्यू खाना, एक सुबह एक शाम। तो एक तो सुबह मैंने ये सब खा लिया टैबलेट, और अभी एक और अभी खाएंगे, क्योंकि अभी 8 बज रहा है, 1 घंटे बाद अपन लोग एडिटिंग वेडिटिंग कंप्लीट करने के बाद गाइज अपन लोग खाएंगे टैबलेट। आप लोग को दिखा देता हूँ गाइज, ये देखो गाइज ये टैबलेट है, तो अपन लोग इसको खा के और फिर सोएंगे गाइज। सो गाइज यही सारा टैबलेट था, इतना सारा मेरे को टैबलेट मिला है। तो अपन लोग गाइज इसका कोटा पूरा करते हैं, और फिर अपन लोग टैबलेट खाते हैं, और फिर देखते हैं गाइज अपने को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मेरे को राहत थोड़ा बहुत ज़्यादा राहत मिला है गाइज वो टैबलेट खाने से, मेडिसिन लेने से। तो इसके कारण अपन लोग कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाए आज। तो चलो अभी मेडिसिन खा के ना सोते हैं, और फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं। और फिर गाइज मैं बता दूँ, कल का ब्लॉग काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और
ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज।